नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुर्स हीलिंग हब में। वॉर्म्स, पैरासाइट या पेट के कीड़े हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हमारे पेट में कीड़े हैं और उन कीड़ों की वजह से जो नुकसान या जो प्रॉब्लम हमें हो रही होती है उसका कारण या उसका इलाज हम कहीं और ही ढूंढ रहे होते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि पैरासाइट्स या पेट के कीड़े क्या होते हैं, ये कैसे फैलते हैं और ऐसे कौन से साइन हैं जिन्हें समझकर, जिन्हें देखकर हम समझ सके कि हमारे पेट में कीड़े हैं। आइए शुरू करते हैं। पैरासाइट्स या पेट के कीड़े क्या होते हैं? ये एक इस तरह के जीव होते हैं जो एक्चुअली में दूसरे जीव के अंदर रहते हैं और दूसरे जीव के भोजन से ही अपना पोषण ग्रहण करते हैं, यानी कि अपने न्यूट्रिएंट्स, अपनी ऊर्जा जो है वो जिसके शरीर में रहते हैं, जिस भी जीव के शरीर में रहते हैं उसके भोजन से ग्रहण करते हैं। ह्यूमन यानी कि इंसान के शरीर में पाए जाने वाले पैरासाइट्स की संख्या बहुत ज्यादा है और ये बहुत तरह के होते हैं। इनमें से कुछ कॉमन नाम है अमीबा, जियाडिया, एस्कैरिसिस, पिनवॉर्म, गुनिया वॉर्म, हुक वॉर्म, टेप वॉर्म या विप वॉर्म। अब मैं बताऊंगी कि ये कैसे फैलते हैं। एक्चुअली जितने भी पैरासाइट्स हैं इनके एग या तो हमारे मुंह से या हमारी त्वचा से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। जब हम कंटामिनेटेड यानी कि दूषित पानी, मिट्टी, ब्लड यानी कि खून या फिर वेस्ट के संपर्क में आते हैं तो ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसके अलावा जब हम अनकुक्ड नॉन वेज खाते हैं, अनकुक्ड मीट लेते हैं तो उसके जरिए भी ये बहुत आसानी से हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार ये कीड़े मकोड़ों यानी कि इंसेक्ट से भी प्रवेश कर सकते हैं, जैसे कि अगर मक्खी हमारे खाने पे बैठी है तो हो सकता है कि मक्खी के टांगों में इनके एग्स लगे हों। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगी कि जो पैरासाइट्स के एग्स हैं ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि हम इन्हें डायरेक्ट आंखों से नहीं देख सकते। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें देखना नामुमकिन है। कई बार जब हम बहुत बिना चप्पल के घूमते हैं तो ये हमारे पैरों के तलवों के स्किन से भी हमारे अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इस तरह से इनका जो ट्रांसफर है या हमारी बॉडी में प्रवेश करना है ये बहुत ईजी है। कई बार जब ये एक बार हो जाते हैं तो इनका हमारे शरीर से निकलना इसलिए मुश्किल हो जाता है कि वो इनके अंडर का काउंट बहुत ज्यादा होता है और ये हमारे आसपास की चीजों में किसी ना किसी रूप में फैल जाते हैं और दोबारा हमें इनका इन्फेक्शन हो जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऐसे कौन से साइन एंड सिम्टम्स या ऐसे कौन से लक्षण हैं जिन्हें पहचान कर हम समझ सकते हैं कि हमारे पेट में कीड़े हैं। इसमें सबसे पहला है टीथ ग्राइंडिंग। जिस भी किसी बच्चे या बड़े के पेट में कीड़े होते हैं ज्यादातर नोटिस किया गया है कि वो रात को सोते समय और कई बार दिन में भी अपने टीथ को ग्राइंड करते हैं यानी कि घिसते हैं। ऐसे करके आप देख सकते हैं कि बच्चा सोया हुआ रात को जोर से अपने दांतों को भींच रहा है या कस रहा है या घिस रहा है तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे के पेट में कीड़े हो सकते हैं। इसी तरह बड़े भी ऐसे ही करते हैं। दूसरा जो मेन साइन है वो है कि आप पेट भर के खाना खाते हैं फिर भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होता। जब हम अपना भोजन सफिशिएंट क्वांटिटी में करते हैं तो हमें एक तृप्ति की अनुभूति होती है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। जब पेट में कीड़े होते हैं तो वो सेटिस्फेक्शन हमें लैक कर जाते हैं, हमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। थर्ड जो पॉइंट है वो है फैटिगनेस यानी कि थकावट, या इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं लो एनर्जी लेवल। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है पैरासाइट्स जो हैं वो हमारे भोजन से पोषक तत्व ले लेते हैं, इसलिए हमारे शरीर में बहुत सारी पोषक तत्वों की कमी हो सकती है जिसकी वजह से हमारा एनर्जी लेवल लो रह सकता है और हमें बार बार थकावट लग सकती है। नेक्स्ट जो बहुत ही कॉमन साइन है वो ये कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब रहने लगता है, क्योंकि ये पेट के कीड़ों की रहने की मेन जगह पेट या हमारी आंतें हैं, इसलिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि डायरिया हो जाता है यानी कि फ्रीक्वेंट मोशंस होने लगते हैं, लूज मोशन होने लगते हैं और उसका कोई खास कारण पता नहीं चलता। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोगों में कब्जी पाई जाती है। इन दोनों सिम्टम्स के साथ ही ब्लोटिंग यानी कि पेट का फूलना या गैस होना ये भी देखा जाता है। नेक्स्ट, ईची प्राइवेट पार्ट्स।
कुछ वॉर्म्स या कुछ कीड़ों की वजह से, स्पेशली पिन वॉर्म की वजह से हमारे जेनिटल एरिया में या एनल में इचिंग होने लगती है। तो कई बार जब हम देखते हैं कि हमारे प्राइवेट पार्ट में बार बार इचिंग हो रही है और उसका कारण समझ ना आए, तो एक बार जरूर सोचना चाहिए कि कहीं आपके पेट में कीड़े तो नहीं है। नेक्स्ट जो बहुत कॉमन सिम्टम देखा जाता है वो है लॉस ऑफ वेट, यानी कि जिसके पेट में कीड़े होते हैं उसका वजन तेजी से घटने लगता है। इसका कारण यही है कि जो पोषण हमारे भोजन से हमें मिलना चाहिए वो हमारी जगह कीड़ों को मिल रहा होता है, जिसकी वजह से वजन जो है वो तेजी से कम होने लगता है। नेक्स्ट सिम्टम है स्किन रैशेस। बहुत सारे कीड़ों की वजह से स्किन में डिफरेंट प्रॉब्लम होने लगती है। स्किन में लालीपन आ सकता है, ईचिंग हो सकती है यानी खुजली हो सकती है। इसके अलावा कई बार देखा गया है कि सफेद दाग भी कीड़ों की वजह से ही होते हैं। नेक्स्ट, जिनके पेट में कीड़े होते हैं, स्पेशली अगर बच्चों की बात करें, तो उनकी दूध से बनी चीजें खाने की, स्पेशली ऐसी चीजें जिसमें दूध भी हो और मीठा भी हो, या फिर मिठाई खाने की जो क्रेविंग है वो बढ़ जाती है, वो बार बार मीठा खाने की डिमांड करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा साइन है जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि बच्चों के पेट में कीड़े हो सकते हैं। इस तरह से ये जितने भी साइन सिम्टम्स हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये मिले हैं तो जरूर पेट में कीड़े होंगे। अगर लेकिन इनमें से दो या तीन से साइन सिम्टम किसी एक मनुष्य में मिलते हैं तो आपको जरूर अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि कहीं आपके पेट में कीड़े तो नहीं है। इसके अलावा अगर आपके पेट में कीड़े हैं तो वो आपके परिवार के बाकी सदस्यों में भी हो सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया है, कीड़ों का ट्रांसफर बहुत ही आसान है, इसलिए अगर ऐसे साइन और सिम्टम्स आपको अपनी बॉडी में मिलते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर बात करनी चाहिए और कीड़ों की दवाई खानी चाहिए। कीड़ों को फर्दर जानने के लिए उनके क्या टेस्ट कराने चाहिए या कौन से घरेलू उपाय हैं जिसे इस्तेमाल में करके हम कीड़ों से बच सकते हैं या कीड़ों को खत्म कर सकते हैं, या फिर कौन सी दवाइयां हैं जिसका उपयोग किया जा सकता है, इसकी जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगी। आज का वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी जानकारी के लिए अगले वीडियो तक मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें।